बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस डायरी के प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस वीडियो में मैं अपनी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों के लिए एक मुजरब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ, जिस वजीफे की बरकत से इंशाल्लाह ताला आपकी शादी आपकी पसंद की जगह पर हो जाएगी और आपके लिए आपकी मर्जी के रिश्ते का बंदोबस्त भी होगा। ये वजीफा बहुत ही पावरफुल और आजमूदा है, जो अल्लाह पाक के सफाती नाम का वजीफा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वजीफे को करना कैसे है। इसको करने का तरीका तवज्जो से और ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि पहले भी बताया है कि हमारा आज का जो वजीफा है अल्लाह पाक के सफाती नाम का है। अल्लाह ताला का वो सफाती नाम या वाजिदू है। इस वजीफे का तरीका बहुत ही आसान है। याद रहे कि ये वजीफा उस शख्स ने करना होगा जिसकी शादी नहीं हो रही, यानी लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही, इसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे, या रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन हाँ नहीं होती, या शादी में कोई रुकावट है या किसी ने कोई बंदिश कराई हुई है, यानी किसी भी वजह से लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही, तो वो इस अमल को करेगा या करेगी। कोई और इसकी जगह इस अमल को नहीं कर सकता। वजीफे का तरीका ये है कि आपने रात को सोने से पहले अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम या वाजिदू को 1414 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी लाजमी पढ़ना है। और इस वजीफे को करने के बाद अल्लाह पाक से अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। इंशाल्लाह ताला आपका बहुत जल्द रिश्ता भी हो जाएगा और आप जहां और जैसे चाहेंगे वहां आपकी शादी भी हो जाएगी। बस आपने इस अमल को कामिल यकीन के साथ करना है और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी करनी है। अगर आप नमाज की पाबंदी के साथ और पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर लेते हैं तो आपकी शादी की तमाम रुकावटें बंदिशें अल्लाह ताला के हुक्म से दूर हो जाएंगी। तो प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, ये था हमारा आज का वजीफा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।